पाकिस्तान के मियांवाली में एयरफोर्स स्टेशन पर आत्मघाती हमला हुआ है। भारी हथियारों से लैस अज्ञात बंदूकधारियों ने मियांवाली में पाकिस्तानी वायुसेना के ट्रेनिंग सेंटर के अंदर घुसकर गोलीबारी को अंजाम दिया। इस हमले में आतंकवादियों ने 3 लड़ाकू विमानों को उड़ा दिया, जबकि कई सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने ली है। पाकिस्तानी वायुसेना ने दावा किया है कि उन्होंने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है और बाकी 3 को अलग थलग कर दिया है। पाकिस्तान वायुसेना यानी कि PAF ने कहा कि उन्होंने जवाबी गोलाबारी में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। 5 से 6 भारी हथियारों से लैस लोगों के एक समूह ने सुबह सुबह हमला किया, जिसके बाद गोलीबारी हुई। PAF ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि आतंकवादियों के एयरबेस में घुसने से पहले ही उन्होंने हमले को नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR ने कहा कि हमले के दौरान पहले से ही जमीन पर खड़े 3 विमानों और एक ईंधन बोजर को भी नुकसान पहुंचा। क्षेत्र को पूरी तरह से खाली कराने के लिए एक व्यापक संयुक्त तलाशी अभियान अंतिम चरण में है। ISPR ने कसम खाई है कि पाकिस्तान के सशस्त्र बल हर कीमत पर देश से आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने बयान में कहा, 4 नवंबर 2003 को दिन के शुरुआती घंटों में पाकिस्तान वायुसेना का मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस एक असफल आतंकवादी हमले की चपेट में आ गया। सैनिकों द्वारा प्रभावी प्रतिक्रिया को नाकाम कर दिया गया। संपत्ति और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। असाधारण साहस और समय पर प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करते हुए 3 आतंकवादियों को बेस में प्रवेश करने से पहले ही मार गिराया गया, जबकि बचे हुए 3 आतंकवादियों को सैनिकों द्वारा समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया के कारण घेर लिया गया और अलग थलग कर दिया गया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।